तो पुलिस है या ब्रोकर? hey! उंगली नीचे कर वरना हाथ काट के फेंक दूंगा, किसी लायक नहीं रहेगा। खैरियत चाहता है तो जल्द से जल्द निकल ले यहाँ से। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दिल करता है अब हार मान लूं, फिर याद आता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दोस्तों वैसे तो मैं रोस्ट वीडियो बनाता हूं, पर आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स भाई लोग थे जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि तुम जो वीडियो बनाते हो, यानी मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें जो वीडियो क्लिप या फिर साउंड इफ़ेक्ट या फिर कोई भी म्यूज़िक को जब मैं यूज़ करता हूँ उस पर क्या कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं आता है, अगर वो कॉपीराइट क्लेम आता भी है तो कैसे आता है, तो बहुत सारे ढेर सवाल पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैं उसी का जवाब देने वाला हूँ। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, YouTube का नियम तो बहुत ही सख्त है। अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ कि YouTube पे वीडियो आप बनाएंगे जब भी और अपने वीडियो में किसी अदर पर्सन का वीडियो क्लिप या फिर म्यूज़िक या गाना, मतलब म्यूज़िक या साउंड इफ़ेक्ट या कुछ भी, मतलब दूसरे का कुछ भी यूज़ करेंगे तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आपको आ सकता है, भले वो 0 सेकंड से 6 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, 30 सेकंड या पूरा का पूरा उसी का क्यों ना आप ले लिए हो क्लिप, तो उससे आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा ही आएगा। लोग पूछ रहे थे हमारे कमेंट बॉक्स में कि क्या तुम रोस्ट वीडियो जो बनाते हो उसमें कॉपीराइट क्लेम आता है कि नहीं। तो आता है भाई, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं, मतलब उसको इलीगली माना जाएगा YouTube के नज़रिए से, क्योंकि YouTube ये कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी अदर पर्सन का अपने वीडियो में कुछ भी लें, आपका ओरिजिनल कंटेंट रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ हद तक वो क्लेम नहीं आता है, जैसे कि अगर 15 सेकंड तक का आप यूज करें किसी का वीडियो क्लिप या म्यूज़िक, 30 सेकंड तक का यूज करें तो ऐसे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, तो कभी कभी 10 सेकंड का भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, तो कॉपीराइट क्लेम आता है। तो मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि हमें भी कॉपीराइट क्लेम आता है, लेकिन क्या है कि हम लोग मतलब 0 सेकंड से लगा के 15 सेकंड, मतलब जितना छोटा सेकंड का ही मतलब क्लिप बना के उसमें डाल देते हैं अपने वीडियो में, तो इसीलिए हम लोगों को कॉपीराइट क्लेम बहुत मतलब चांसेस आने के कम रहते हैं, पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, कभी कभी कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक दूसरा चीज़ है, मतलब वो आपके चैनल पे इफेक्ट डालेगा, मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपको आ गया तो 3 स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आ गई तो समझिए कि पूरे दुनिया में 1 नंबर का अगर आपका चैनल रहेगा ना, फिर भी उसको YouTube के नियम के तहत आपको डिलीट करना पड़ेगा आपका चैनल उसको YouTube को। तो स्ट्राइक दूसरा चीज़ हो गया, पर क्लेम मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्लेम क्या होता है। मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया हूँ कि क्लेम आता है, हम लोगों को भी आता है, पर वही बात है कि 0 से 15 सेकंड, मतलब जितना छोटा आप करें यूज अपना म्यूज़िक हो या क्लिप तो ही अच्छा रहेगा। और ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा था, मतलब आप लोगों को जानकारी दे रहा था, किसी गलत मकसद से ये वीडियो मैं नहीं बना रहा था। और हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता था कि केवल और केवल सिर्फ वीडियो क्लिप और म्यूज़िक इफेक्ट या साउंड पे ही कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। अगर आप कोई सा भी पैड, मतलब एप्लीकेशन जो एडिटर हो गया, कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको बार बार दिखा रहे हैं तो वो कंपनी भी आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकती है। या फिर कि कोई फ़ोटो बार बार आप वो लगा रहे हैं जो नॉन कॉपीराइट से वो है, हट के है, तो समझिए कि उस पर भी क्लेम आ, मतलब फ़ोटो भी कुछ भी आप यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगली वीडियो में रोस्ट वीडियो के साथ। हमारे बारे में वो लोग ज्यादा जानते हैं जिन्हें हम खुद नहीं जानते।